What's up guys, Sanjot Keer here, welcome to IFL, world famous prawns recipe, prawns koliwada bana raha hu aaj, aur ye wale jo prawns koliwada hai, mind blowing lagte hai, kyunki ye meri recipe hai, main jaise prawns koliwada batata hu, wo aapko bata raha hu, aur saath hi main iske ek secret chutney hai meri, jo main definitely banata hu jabhi bhi prawns koliwada ya fish koliwada bana raha hu, kyunki ye dono cheeze jab aap saath mein khao, to maza hi aa jata hai, aur prawns ki ye one of my favorite personal dishes hai. तो बहुत अच्छी बनती है वाली रेसिपी. सबसे पहले प्रॉन्स कोलीवाड़ा के लिए प्रॉन्स को मैरिनेट कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं. 500 ग्राम प्रॉन्स लिए हैं जो एकदम धोकर अच्छे से डीवेन किए हुए हैं. साथ ही में टेस्ट के हिसाब से नमक, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1 टेबलस्पून नींबू का रस. ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, अच्छे से मैरिनेट कर लीजिए प्रॉन्स को. ये पहली मैरिनेशन है प्रॉन्स की और इसी तरीके से 15 से 20 मिनट के लिए इस मैरिनेशन में प्रॉन्स को मैरिनेट कर लीजिए. तब तक एक वाटन तैयार कर रहा हूँ, एक पेस्ट तैयार कर रहा हूँ. एक ग्राइंडर में थोड़ा सा ताज़ा धनिया, 10 से 12 लहसुन की कलियाँ, आधा इंच अदरक, 3 तीखी वाली हरी मिर्ची और थोड़ा सा पानी डालकर इसको साथ में ग्राइंड कर लीजिए. और हमारा हरा वाटन जो है वो तैयार हो चुका है. 15 से 20 मिनट प्रॉन्स मैरिनेट हो जाएं, उसके बाद ये वाटन को प्रॉन्स में ऐड कर दीजिए. साथ ही में 1.5 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च पाउडर, 1 टेबलस्पून धनिया पाउडर, आधा टीस्पून गरम मसाला, आधा टीस्पून जीरा पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक, 1/4 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, आधा टीस्पून आमचूर पाउडर, आधा टीस्पून चाट मसाला, 1 चुटकी भर हींग और 1 टीस्पून नींबू का रस. ये सारी चीज़ों को आप हल्के हाथों से अच्छे से मिक्स कर लीजिए और प्रॉन्स के ऊपर इस मैरिनेट को लगा दीजिए. थोड़ा सा मिक्स करने के बाद 1 टेबलस्पून इसमें तेल ऐड कीजिए और फिर से इसको हल्के हाथों से मिला लीजिए. एक बार आपने मसाला जो है प्रॉन्स को लगा दिया है, तब इसके अंदर 1 एग वाइट यानी अंडे का सफ़ेद हिस्सा आपको ऐड करना है. साथ ही में 3 टेबलस्पून फाइन वाला बारीक वाला बेसन और 4 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर. ये सारी चीज़ों को आप अच्छे से अभी मिला लीजिए और प्रॉन्स को अच्छे से कोट कर लीजिए. प्रॉन्स को फ्राई करने के लिए तेल आपको अच्छे से गर्म कर लेना है, लगभग 170 डिग्री सेल्सियस पे मॉडरेटली हॉट ऑयल होना चाहिए. अब प्रॉन्स को एक एक करके केयरफुली तेल के अंदर ड्रॉप करते जाइए. बहुत सारे प्रॉन्स एक साथ फ्राई नहीं करने हैं, पैन को ओवरक्राउड नहीं करना है, नहीं तो प्रॉन्स पे से क्या है मसाला निकलना शुरू हो जाता है, ऑयल का टेम्परेचर ड्रॉप डाउन हो जाता है और क्रिस्पी नहीं बनते हैं प्रॉन्स. तो थोड़े थोड़े प्रॉन्स को इस तरीके से फ्राई कीजिए. प्रॉन्स बहुत जल्दी से पक जाते हैं, बस 1 से 2 मिनट में पक जाएंगे. तो जब ही इस स्टेज पर ये पक जाएँ तो प्रॉन्स को निकालिए और साइड पर एक छन्नी में रख दीजिए. तो प्रॉन्स जो हैं बहुत ही फटाफट फ्राई हो जाते हैं. एक्चुअली 1-2 मिनट में भी प्रॉन्स फ्राई हो जाते हैं, लेकिन इसकी जो कोटिंग है वो अच्छे से पकती नहीं है. तो आज मैं प्रॉन्स को डबल फ्राई कर रहा हूँ, यानी कि ये डबल क्रिस्पी भी हो जाएंगे. तो प्रॉन्स एक बार आपने इस तरीके से पहली बार फ्राई कर दिए, उसके बाद तेल को थोड़ा सा और गर्म कीजिए. प्रॉन्स को 5 मिनट रेस्ट होने दीजिए. एक बार तेल आपका फिर से गर्म हो जाए, बस फिर एक फ्लैश फ्राई करेंगे और प्रॉन्स क्रिस्पी हो जाएंगे. तो प्रॉन्स 5 मिनट के लिए रेस्ट हो चुके हैं, तेल अच्छे से गर्म हो चुका है. प्रॉन्स को लीजिए, तेल के अंदर इस तरीके से डालिए और बस कुछ ही सेकेंड्स के लिए अभी आपको प्रॉन्स को एकदम क्रिस्पी होने तक तलना है. बस कुछ ही सेकेंड्स के लिए फ्राई किया, प्रॉन्स को इस तरीके से निकाला, फिर से छन्नी में डाल दीजिए और एक्सेस ऑयल को निकलने दीजिए और हमारे प्रॉन्स कोलीवाड़ा एकदम क्रिस्पी वाले, डिलिशियस वाले रेडी हो गए. तो प्रॉन्स कोलीवाड़ा बनाना बहुत आसान है, आपने देखा एकदम कुछ ही मिनट्स में बन जाते हैं. प्रॉन्स फटाफट पक भी जाते हैं. अगर आप अब फिश कोलीवाड़ा बना रहे हो तो सेम तरीके से सेम प्रोसेस करना है. प्रॉन्स की जगह पे आप कोई बोनलेस फिश ले लीजिए. रावस के साथ बहुत मज़ा आता है ये वाले मैरिनेशन का. तो रावस अगर आप ला रहे हैं घर पे, सेम प्रोसेस सेम तरीका, इसी तरीके से डबल फ्राई कीजिए और फिश कोलीवाड़ा एकदम ब्यूटीफुल बनेगी आपकी. चिकन कोलीवाड़ा बनाना है, बोनलेस चिकन, बोन वाला चिकन ले लीजिए, सेम मसाला लगाइए. कई सारी रेसिपीज़ में चावल का आटा यूज़ किया जाता है, मैं थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर डाल देता हूँ, इससे क्रिस्पीनेस बहुत अच्छी मिलती है. चावल के आटे से भी मिलती है बट कॉर्नफ्लावर से थोड़ा और बेटर रिजल्ट आता है. तो मैं इस तरीके से बनाता हूँ. अब मेरी सीक्रेट चटनी की बारी आ गई है, जिसके बिना ये रेसिपी कम्प्लीटली इनकम्प्लीट है. तो चटनी कैसे बनाई जाती है सीक्रेट वाली वो देखते हैं. एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में 2 कप ताज़ा पुदीना, 1 कप ताज़ा धनिया, 2 मीडियम साइज़ के प्याज, 1 टमाटर, 15 से 20 कलियां लहसुन की, 1 इंच अदरक, 1/2 कप स्प्रिंग अनियन के हरे वाले पत्ते जो होते हैं वो ऐड कर दीजिए, 8 से 10 हरी मिर्ची,
एक लेमन साइज बॉल ऑफ इमली, टेस्ट के हिसाब से नमक, एक चुटकी भर काला नमक, एक चुटकी भर चाट मसाला, एक क्यूब आइस का और थोड़ा सा पानी इसको ग्राइंड करने के लिए। अब सारी चीज़ों को अच्छे से साथ में पीस लीजिए। आप देख सकते हो हमारी स्पेशल वाली चटनी रेडी हो गई है। लेट्स प्लेट आ प्रॉन्स कोलीवाड़ा वाइफल स्टाइल। माइंड ब्लोइंग बनाए हमारे आज प्रॉन्स कोलीवाड़ा। एकदम क्रिस्पी है, हल्के से स्पाइसी हैं, हल्के से चटपटे हैं। वो जो चाट मसाला ऊपर डाला है, नींबू डाला है, साथ में प्याज, साथ में स्पेशल वाली चटनी, माइंड ब्लोइंग लगते हैं। इनफैक्ट मैं ये जो कॉम्बिनेशन है इसके साथ पाव खाता हूँ, बहुत मज़ा आता है। सिगड़ी पे सेक कर थोड़े पाव, पाव के अंदर चटनी डालो, प्रॉन्स डालो, प्याज डालो, चाट मसाला डालो, थोड़ा नींबू डालो, पानी आ रहा है मुँह में, बहुत मज़ा आएगा आपको खाने में। मैं बचपन में बहुत ज़्यादा बाहर जाके अपने डैड के साथ मैं और मेरी सिस्टर जाते थे और हम लोग ऐसे पाँव में डालकर प्रॉन्स खाते थे और बड़ा ही मज़ा आता था। तो ये रेसिपी ज़रूर बनाओ अपने घर पे, आपको बहुत मज़ा आने वाला अगर आप एक प्रॉन्स कोलीवाड़ा फ़ैन हो तो। रेसिपी कैसे लगी कमेंट्स में मुझे नीचे बताओ। शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, हिट द लाइक बटन इफ यू लाइक दिस रेसिपी, फॉलो एंड सब्सक्राइब टू YFL इफ यू हैवंट येट। हैव एन अमेजिंग टाइम विद दिस ब्यूटीफुल प्रॉन्स कोलीवाड़ा रेसिपी एट योर होम, और वो चटनी बनाना बिल्कुल भी मत भूलना। Cheers.